सब्सक्राइब कीजिए टेकी अग्निक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। hey, स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल में। मैं हूँ अग्निक और आप देख रहे हैं टेकी अग्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्लैकबेरी के नए मोबाइल वो है जो है की टू के नाम से उस मोबाइल के बारे में। तो गाइस ये वीडियो आगे देखते रहिए और जानते रहिए ब्लैकबेरी के की टू के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्लैकबेरी ने जो ये मोबाइल लॉन्च किया है इसका अगर समरी परफॉर्मेंस देखा जाए तो गाइस अच्छा ही है, क्योंकि ब्लैकबेरी का मोबाइल बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है उसके मामले में। गाइस इसमें देखा जाए तो इसका 660 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो गाइस बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 660 बहुत ही अच्छा है। और गाइस इसका USB को सी टाइप पोर्ट दिया गया है, मतलब जो आईफोन में होता है ना सी टाइप वैसा दिया गया है। जी हाँ गाइस आप सही सुन रहे हैं। और गाइस 6GB का रैम है और गाइस 64 और 128GB का इंटरनल स्टोरेज है। गाइस ये था उसके रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। और गाइस देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी ठीक ही है गाइस आईफोन के जैसा किया गया है। ये 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है जो 12 इंटू दो वह है 24 मेगापिक्सल, और डुअल कैमरा दोनों ही 12 मेगापिक्सल, और फ्रंट फेसिंग कैमरा है 8 मेगापिक्सल। गाइस 8 मेगापिक्सल इज इनफ है, 8 मेगापिक्सल में ब्लैकबेरी का मोबाइल अच्छा ही होता है। और गाइस उसके बाद हम देखते हैं तो इस मोबाइल में 4.5 इंच का स्क्रीन दिया गया है गाइस 3.2 का रेशियो से। और गाइस देखा जाए तो सारा स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल में सही है, पर इसका कॉस्ट गाइस अभी भी मतलब बोला नहीं गया, शायद इसका 42,000 या 43,000 या 52,000 गाइस। जी हाँ गाइस आप सही सुन रहे हैं। गाइस ब्लैकबेरी का मोबाइल, वैसे भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ब्लैकबेरी का मोबाइल कॉस्टली होता है और ज़्यादातर रिच पर्सन ब्लैकबेरी के मोबाइल को खरीदता है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेकी अग्निक को, और कीप सपोर्टिंग टेकी अग्निक। थैंक यू गाइस, बाय गाइस।